इस वक्त कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है। कई वैज्ञानिक और चिकित्सक तरह तरह के दावे कर रहे हैं। ऐसे ही एक बयान सोशल मीडिया पर सामने आया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर की लेबोरेटरी में पैदा किया गया है। ये खबर पहले फॉक्स न्यूज के चैनल पर बताई थी, लेकिन अब एक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जापान के प्रोफेसर डॉक्टर तासुक होंजो की खबर वायरल हो रही है, जिसमें तासुक होंजो दावा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है। चलिए जानते हैं इस खबर का बयान और निष्कर्ष क्या, यह खबर पूरी तरह सही है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। तासुक होंजो ने कोरोना के बारे में ये क्या कह दिया। फिजिशियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जापान के प्रोफेसर डॉक्टर तासुक होंजो ने आज मीडिया के सामने ये बोलकर सनसनी फैला दी है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है। यदि प्राकृतिक होता तो पूरी दुनिया में यूं ही तबाही नहीं मचाता। विश्व के हर देश में अलग अलग टेम्परेचर होता है। यदि ये कोरोना वायरस प्राकृतिक होता तो चीन जैसे अन्य देश, जहाँ चीन जैसे ही टेम्परेचर में यह वातावरण वही दब नहीं मचाता, जिस तरह ये स्विट्जरलैंड जैसे ठंडे देश में फैल रहा है, उसी तरह रेगिस्तानी इलाकों में भी फैल रहा है। कोरोना वायरस आर्टिफिशियल है, ये दावा किया जा रहा है। यदि ये प्राकृतिक होता तो ये ठंडे स्थानों पर फैलता तो गर्म स्थानों पर भी जाकर दम तोड़ देता। अनेकों जीव जंतु वायरस पर 40 साल रिसर्च किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं है, ये वायरस बनाया गया है, पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। चीन की मू लेबोरेटरी में मैंने 4 साल काम किया है। इस लेबोरेटरी के सारे स्टाफ से मैं पूरी तरह परिचित हूँ। कोरोना वायरस के बाद से जब को फ़ोन लगा रहा तो परंतु सभी के फ़ोन बंद बता रहे हैं। अब पता चल रहा है कि सारे लैब टेक्सनल की मौत हो चुकी है। चीन झूठ बोल रहा है, मेरी बात सत्य होगी। यदि गलत हुई तो सरकार मेरा नोबेल पुरस्कार वापस ले सकती है। मैं आज तक अपनी सारी जानकारियां और रिसर्च के आधार पर यह 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है और ये समुद्रागढ़ से नहीं फैला, ये चीन ने बनाया है। जो मैं आज बोल रहा हूँ, यदि ये बात आज या मेरे मरने के बाद भी झूठी हो तो मेरा नोबेल पुरस्कार सरकार वापस ले सकती है। तो देखिए, आपने ये जानकारी हमें एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली है। जैसे जैसे हमें हुबुई आपको इस तरह बताने की कोशिश की है, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी और पड़ताल करते हैं ताकि ये दावा सही है या गलत है। हमने क्योटो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की वेबसाइट पर तासुक होंजो की जीवन यात्रा देखी। हमें पता चला कि होंजो ने अपने पूरे जीवन काल में कभी चीन की वुहान लेबोरेटरी में काम नहीं किया। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि तासुक होंजो ने 4 साल तक वुहान की लैब में काम किया, ये सरासर गलत है। जापान के नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट तासुक होंजो का कथित वायरल बयान झूठा है। तासुक होंजो ने नोबेल कोरोना वायरस के लैब में बनने का दावा नहीं किया है और ना ही अपना प्राइज लौटाने के लिए कोई शर्त रखी है। हमें इंटरनेट पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। हालांकि नोबेल विजेता फ्रांसिस वैज्ञानिक ल्यूग मॉन्टेनर कोरोना वायरस के मारने का दावा भी करते थे। कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें 1 अक्टूबर 2018 की द गार्डियन की रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स विलियन के जापान की क्यूटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तासुक होंजो को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। उन्हें कैंसर के इलाज के दवाओं पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये खबर पूरी सरासर गलत है और झूठी है।